कॉलेज में आपका अलॉटमेंट हुआ है उस कॉलेज को नहीं रख सकते हो। पीसी स्टेट कोटा हो सकता है, बहुत सारे स्टूडेंट्स का ये क्वेश्चन है जो आपको जानना जरूरी है। हाय गाइस, दिस इज शोमोजीत बोनिक एंड वेलकम टू द न्यू वीडियो फ्रॉम माय चैनल बायोमेडिकल विद बोनिक। सो गाइस, आप लोग सोच रहे होंगे इस छोटा सा बोर्ड में मैं क्यों कर रहा हूँ इतना बड़ा बोर्ड को छोड़कर, तो आप खुद ही देख लो। जो स्टूडेंट्स ऑलरेडी फर्स्ट ईयर में जाने वाले हैं उन सभी लोगों के लिए क्या क्या बुक्स जरूरी है उस बुक लिस्ट को ही प्रिपेयर कर रहा था इस बोर्ड में, एंड उस टाइम पे आप लोगों के लिए ये वीडियो में शूट कर रहा हूँ। तो यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट और नोटिस बताने के लिए आपको मैं ये वीडियो शेयर कर रहा हूँ। इसका एक ही रीजन है क्योंकि आज रात का जो लास्ट चॉइस फिलिंग और चॉइस टॉकिंग का टाइम है दैट इज 11:59 PM, ठीक है। इसके अंदर ही आपको चॉइस फिलिंग करना होगा एंड इसके बाद आपका चॉइस लॉक हो जाएगा एंड आप लोग चॉइस को फिर से फिल नहीं कर सकते हो एंड चॉइस को चेंज नहीं कर सकते हो। इसलिए उससे पहले मैं कुछ पॉइंट्स एंड कुछ चेकलिस्ट आपको बताना चाहता हूँ। फर्स्ट, चॉइस फिलिंग का सीक्वेंस क्या होना चाहिए वो आप लोग यहाँ पर देख ही पा रहे हो। आप में से बहुत से स्टूडेंट्स आई थिंक ऑलरेडी बहुत सारी यूट्यूबर्स के वीडियो, बहुत सारी यूट्यूबर्स का जो शॉर्ट्स वो देखकर चॉइस फिलिंग कर चुके हो, लेकिन मैं कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट यहाँ पर बताना चाहता हूँ जो आप लोग आई थिंक नहीं जानते थे और जानना आपको जरूरी है, ठीक है। एंड यहाँ पर आपको और भी बताना चाहता हूँ, अगर आप हमारे काउंसलिंग सर्विस के साथ जुड़ना चाहते हो फॉर सब्सिक्वेंट स्टेट कोटा राउंड टू, ऑल इंडिया कोटा राउंड टू राउंड थ्री, तो ऑब्वियसली आप लोग इस दिए गए नंबर पर आप हमें कॉन्टेक्ट कर सकते हो, जहां पर हम लोग आपको चॉइस फिलिंग कैसे होगा, क्या करना होगा, कौन सा चॉइस मोस्ट प्रेफरेबल होगा आपके रैंक के वाइज और आपके रैंक के हिसाब से वो हम लोग आपको प्रेफर करते हैं सिर्फ 199 रुपीज में। ये दिया हुआ है, आप लोग हमें कॉन्टेक्ट इसके थ्रू कर सकते हो, ठीक है। तो चले आते हैं वीडियो के मेन टॉपिक पे। टॉपिक क्या है? टॉपिक है चॉइस फिलिंग सीक्वेंस। तो चॉइस फिलिंग सीक्वेंस में सबसे पहले आपको गवर्नमेंट एमबीबीएस रखना होगा। तो गवर्नमेंट एमबीबीएस कैसे रखना होगा, कैसे चॉइस करना होगा, आप लोग इस वीडियो के थ्रू देख सकते हो। एंड किस किस फैक्टर्स को हमें क्रोनोलॉजिकली सजा करके उसके बाद चॉइस फिलिंग में डालना होगा वो भी आप लोग इस वीडियो के थ्रू देख सकते हो। तो गवर्नमेंट एमबीबीएस देने के बाद आपको देना होगा आपके अफोर्डेबिलिटी के वाइज कौन सा कॉलेज में आप लोग जाना चाहते हो। तो हमारा जो मेन मानना है कि आपने सभी ने फर्स्ट गवर्नमेंट एमबीबीएस कॉलेजेस को प्रेफरेंस लिस्ट में सजा दिया है, ठीक है। इसमें से बहुत सारे स्टूडेंट्स इस टाइम पे ये कंफ्यूज हो कि जोका को कहां पर रखें, स्टार्टिंग में रखें और एंडिंग में रखें। एंड जोका मैं पहले ही बता देना चाहता हूं, मेरे पिछले वाले वीडियो में, इस वीडियो में मैंने बताया था जोका इज ए गवर्नमेंट कॉलेज, लेकिन ये सेंट्रल के अंडर है। दिस गवर्नमेंट कॉलेज और जोका सेंट्रल के अंडर कॉलेज है, ठीक है। एंड जोका में पढ़ाई भी अच्छा होता है एंड पेशेंट लोड जितना मिलता है लगभग एमबीबीएस के लिए एनफ है, लेकिन वहां पर एक सर्विस बॉन्ड है जो आप लोग इस वीडियो में देख सकते हो। तो जोका आपके प्रेफरेंस वाइज आप लोग सजा सकते हो जोका को, क्योंकि आप लोग गवर्नमेंट कॉलेजेस में सबसे लास्ट में भी दे सकते हो जोका को, क्योंकि जोका का कट ऑफ थोड़ा सा लो जाता है रिस्पेक्टेड टू अदर गवर्नमेंट कॉलेजेस, क्योंकि जोका का जो फीस स्ट्रक्चर है वो पर ईयर 1 लाख करके आसपास होता है, ठीक है। ऑब्वियसली आप लोग अगर अफोर्ड कर सकते हो तो जोका में पढ़ना चाहते हो तो जोका को ऊपर रखो थोड़ा सा, एंड अगर आप लोग जोका में नहीं जाना चाहते हो तो जोका में लास्ट में रखो, ठीक है। इसके बाद आते हैं आप लोग कौन सा कॉलेज अफोर्ड कर सकते हो। जो फोन करके मुझे कहते हो भैया मैं जाना चाहता था गवर्नमेंट एमबीबीएस के लिए, लेकिन मुझे केपीसी स्टेट कोटा और आईक्यूसीटी स्टेट कोटा हो रहा है, तो केपीसी स्टेट कोटा में आई कैन अफोर्ड और मेरा फैमिली केपीसी स्टेट कोटा को अफोर्ड कर सकता है 5.5 ईयर्स में, लेकिन आईक्यूसीटी, जगन्नाथ गुप्ता, शांति निकेतन इन सब कॉलेजेस को अफोर्ड नहीं कर सकता है। तो ऑब्वियसली ये भी आपको सोच समझ कर रखना पड़ेगा कि जब आप लोग गवर्नमेंट एमबीबीएस के बाद स्टेट कोटा प्राइवेट एमबीबीएस रखोगे तो कौन सा कॉलेज आप लोग में जाना चाहते हो एंड ऑब्वियसली उसका फीस स्ट्रक्चर क्या है। अगर मैं समझ लो गवर्नमेंट एमबीबीएस के बाद आपने क्या रखा, आपने रखा है आईक्यूसीटी स्टेट कोटा एंड जगन्नाथ गुप्ता स्टेट कोटा, शांति निकेतन स्टेट कोटा, तो इनमें से बहुत सारे स्टूडेंट्स का मैक्सिमम चांस है कि शांति निकेतन स्टेट कोटा में उन लोगों का हो सकता है, क्योंकि वहां पर जो कट ऑफ जाएगा वो जनरली बीडीएस के, गवर्नमेंट बीडीएस की इक्विवेलेंट ही जाएगा। तो ऑब्वियसली गाइस आपको मैं एक ही चीज प्रेफर करूंगा कि गाइस ये सोच समझ कर कॉलेज का फीस स्ट्रक्चर देखकर उसके बाद ही गवर्नमेंट एमबीबीएस के बाद किस क्रोनोलॉजी में आप लोग स्टेट कोटा प्राइवेट कॉलेजेस को देना चाहते हो वो देना, ठीक है। ये हो गया सेकंड पॉइंट। थर्ड पॉइंट में आते हैं हम लोग गवर्नमेंट बीडीएस। बहुत सारे स्टूडेंट्स कहते हो भैया बीडीएस का फ्यूचर क्या होता है, तो ऑब्वियसली इस वीडियो में आप लोग देख सकते हो बीडीएस का फ्यूचर क्या होता है। बीडीएस के बाद आप लोग एमडीएस कर सकते हो एंड मास्टर्स भी कर सकते हो, जिसके थ्रू आप लोगों का जो पोटेंशियल होगा एंड आपका जो एक्सपोजर होगा वो बहुत गेन कर सकते हो। एंड ऑब्वियसली जो हर वीडियो में मैं कहता हूँ, डॉक्टर कभी वो नहीं बनता है जिनका बहुत नॉलेज होता है, डॉक्टर वही लोग बनते हैं जिनका पेशेंट मैनेजमेंट कैपेसिटी अच्छा होता है एंड वो लोग ही रिनाउंड डॉक्टर बनते हैं, ठीक है। ऑब्वियसली देवी शेट्टी ने भी एक वीडियो में कहा था कि आई वॉज द लास्ट बेंचर इन माई कॉलेज बट आई एम द वन हु इज गिविंग लेक्चर इन फ्रंट ऑफ देम, ठीक है। क्योंकि देवी शेट्टी आप सभी लोग जानते हो इज ए कार्डियोलॉजिस्ट एंड वो एमसीएच करे हुए कार्डियोलॉजिस्ट है, जिनका
नारायण ग्रुप का हॉस्पिटल है, ठीक है। और आप लोग ये समझ सकते हो, अगर आपका गवर्नमेंट एमबीबीएस नहीं हो रहा है लेकिन आप लोगों का फैमिली और आप लोगों का परिवार इस टाइम स्टेट कोटा प्राइवेट कॉलेजेस को अफोर्ड नहीं कर सकते हो, तो भाई आप लोग बीडीएस के लिए भी जा सकते हो। ऑब्वियसली मैं प्रेफर करूंगा आप लोगों को लाइन लेकर पढ़ने के लिए, ताकि एक गवर्नमेंट सर्विस और कोई नौकरी आपके लिए फिक्स हो सके। एंड गवर्नमेंट बीडीएस में अगर आप लोग जाते हो तो 4 साल बाद आपको इंटर्नशिप करना पड़ेगा, उसके बाद आपका गवर्नमेंट सर्विस एकदम कंफर्म है, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट जो आपको जानना जरूरी था। एंड बहुत सारे स्टूडेंट्स इस टाइम पे ये करोगे कि गवर्नमेंट बीडीएस के दोगे ही नहीं, 3-4 साल 5 साल से ड्रॉप दे रहे हो, एंड आप लोग कहोगे नहीं मैं बीडीएस नहीं पढ़ूंगा। लेकिन भाई लोग, बीडीएस इज ऑल्सो ए ग्रेट अपॉर्चुनिटी फॉर योर लाइफ और फॉर योर फ्यूचर प्रोस्पेक्ट, ठीक है, जो आपको समझना जरूरी है। उसके बाद आते हैं स्टेट कोटा प्राइवेट बीडीएस कॉलेजेस। तो ऑब्वियसली गाइस, स्टेट कोटा प्राइवेट बीडीएस कॉलेजेस में भी लगभग स्टेट कोटा में, ठीक है, स्टेट कोटा के बारे में बता रहा हूँ, स्टेट कोटा में 8 लाख to 10 लाख के आसपास फीस होता है जो आप लोग पढ़ सकते हो। एंड ये आपका प्रेफरेंस होगा, आप लोग गवर्नमेंट बीडीएस में पढ़ोगे, ये टोटली मैं सपोर्ट करूंगा, हाँ गवर्नमेंट बीडीएस में पढ़ो मैं कहूंगा, लेकिन प्राइवेट कॉलेजेस में स्टेट कोटा में पढ़ना चाहते हो या नहीं चाहते हो ये आपका डिसीजन होगा, आप क्या करना चाहते हो उस टाइम पे, ठीक है। और आप 1 साल ड्रॉप भी दे सकते हो, ठीक है, ये प्रेफरेंस आपको मेंटेन करना होगा, जो आपको समझना जरूरी है। एंड इसके बाद सेपरेट प्राइवेट कॉलेजेस के मैनेजमेंट कोटा को सिक्वेंशियली आप लोग सजा सकते हो। एंड मैनेजमेंट कोटा का फीस स्ट्रक्चर क्या है उसको देख कर ही सजाना, ऐसा मत करना कि किसी प्राइवेट कॉलेज में मैनेजमेंट कोटा में आपका बैंक गारंटी लग रहा है, किसी में इतना लाख उतना लाख इतना करोड़ लग रहा है, आप लोग ना देखकर उसको चॉइस पिलिंग में दे देते हो, वो कॉलेज ही आपको अलॉट हो जाता है, ऐसा मत करना बबुआ, ये चीज समझ के लेना। आई थिंक आपको मैं समझा पाया हूँ चॉइस फिलिंग का सीक्वेंस, बेसिक सा मुद्दा क्या होता है, किसको देखकर आपको ये करना होगा, ठीक है। इसके भी डिटेल्स के लिए आप लोग ये वीडियो में स्विच कर सकते हो। अब आते हैं वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, व्हाट इज द फ्री एग्जिट आफ्टर स्टेट कोटा राउंड वन। तो आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स आई थिंक अभी तक नहीं जानते हो कि स्टेट कोटा राउंड वन के बाद आप लोग फ्री एग्जिट कर सकते हो। फर्स्ट टाइम WBMCC ने फ्री एग्जिट टर्म को, टर्मिनोलॉजी को इंक्लूड किया है, उनका जो FAQ सेक्शन है और जो PDF उन्होंने से अपलोड किया है, वहां पर वो लोग कह रहे हैं कि फ्री एग्जिट वो लोग कर सकते हो। मतलब आपका कोई कॉलेज अलॉट हो रहा है, आज तक क्या था, कॉलेज अलॉटमेंट होने के बाद अगर आप लोग रिपोर्ट नहीं करते हो तो आप लोग आउट ऑफ काउंसलिंग हो जाते हो, राउंड टू में फिर से रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। लेकिन इस बार से हो रहा है, कॉलेज में अगर आपका अलॉटमेंट हो रहा है एंड आप लोग रिपोर्ट नहीं करते हो तो ऑब्वियसली गाइस आप लोग राउंड टू में भी पार्टिसिपेट कर सकते हो। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट दैट यू हैव टू नो कि स्टेट कोटा का जो काउंसलिंग हो रहा है वो धीरे धीरे ऑल इंडिया को फॉलो कर रहा है, ठीक है। इसके बाद आते हैं टॉक विद जनरल कैटेगरी, मतलब मैं कुछ बातें करना चाहता हूँ आप सभी जनरल कैटेगरी स्टूडेंट्स के साथ, क्योंकि मैं भी जनरल कैटेगरी में हूँ एंड मुझे भी बुरा लग रहा है कि इतना सारा सीट सब WBMCC ने घटा दिया है, WBMCC ने सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर ने घटा दिया है। लेकिन आपको मैं एक ही चीज बताना चाहता हूँ, जो मैंने पिछले वाले वीडियो में भी कहा था, लगभग 33-34 के वाले स्टूडेंट्स यू आर इन बॉर्डरलाइन सिचुएशन। आपका मैं ये समझ के चल रहा हूँ टाई करके, अगर 33,000 तक गवर्नमेंट कॉलेज जाता है, 33,000 जनरल कैटेगरी के रैंक तक गवर्नमेंट कॉलेज जाता है, तो ऑब्वियसली अप टू 34-34.5 के तक आप लोगों का स्टेट कोटा KPC कॉलेजेस आई थिंक हो जाएगा। मुझे लग रहा है 34-34.5 के तक जो स्टूडेंट्स जनरल कैटेगरी में ऑल इंडिया रैंक में, ठीक है, तो ऑब्वियसली उनका KPC स्टेट कोटा हो सकता है। एंड बहुत सारे स्टूडेंट्स का ये क्वेश्चन है जो आपको जानना जरूरी है, अभी भी थोड़ा होप बचा हुआ है। एंड ऑब्वियसली गाइस, इसके लिए KPC स्टेट कोटा में क्या चाहिए, कौन सा डिमांड ड्राफ्ट चाहिए, कितना लाख एडमिशन में लगता है, ये सब कुछ आपको इन्फॉर्मेशन टाइम टू टाइम लेना होगा, ठीक है। एंड ऑब्वियसली आप लोगों को KPC स्टेट कोटा का जो कॉन्टैक्ट नंबर है उनसे भी कॉन्टैक्ट करके रखना होगा, एंड मेरा जितना मैं हो सके आपको हेल्प करने की कोशिश करूंगा ये सब कुछ इन्फॉर्मेशन मेरे चैनल बायोमेट के थ्रू बताने के लिए। एंड सो ऑब्वियसली गाइस, यू हैव टू सब्सक्राइब दिस चैनल, हिट द बेल आइकन टू गेट द लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन। एंड ऑब्वियसली लास्ट में जो इंपॉर्टेंट फैक्ट मैं आप सभी लोगों से बताना चाहता हूँ, दैट इज, एंड आप में से बहुत सारे स्टूडेंट मुझे ये फोन करके पूछ रहे हो कि भैया राउंड टू में क्या सेकेंड चॉइस फिलिंग हम लोग कर सकते हैं, तो ऑब्वियसली गाइस अपग्रेडेशन के बाद आप लोगों को राउंड टू में फ्रेश चॉइस फिलिंग करना होगा, ठीक है, फ्रेश चॉइस फिलिंग आप लोग कर सकते हो, लेकिन जिस कॉलेज में आपका अलॉटमेंट हुआ है उस कॉलेज को नहीं रख सकते हो। एंड ऑब्वियसली यहां पर एक इंपॉर्टेंट फैक्ट मैं कहना चाहता हूं, अगर आप लोग उस कॉलेज को नहीं रख सकते हो तो ऑब्वियसली उनसे हाई कट ऑफ वाला कॉलेजेस को आप लोग चॉइस फिलिंग में रखना, क्योंकि उससे अगर लो कट ऑफ वाले कॉलेज में आप लोग चॉइस फिलिंग में रख देते हो तो उस कट ऑफ वाले कॉलेज में आपका होने का चांस मेजर है, जो आपको
समझना जरूरी है. दीज आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट्स दैट यू हैव टू नो अबाउट द काउंसलिंग एंड द चॉइस फिलिंग प्रोसीड्योर. एंड अगर आपने चॉइस फिलिंग लॉक कर दिया है तो घबराने का कोई बात नहीं है, यू कैन चेंज योर चॉइस फिलिंग इन राउंड टू. एंड और एक इंफॉर्मेशन मैं आपको देना चाहता हूं कि आप लोग डोमिसाइल कोई भी एक सबमिट कर सकते हो, A1, A2 और B और E डोमिसाइल भी सबमिट कर सकते हो, लेकिन आप लोगों को मैं प्रेफर करूंगा E डोमिसाइल जिनका है उनका. मैं ये ही चाहता हूं आप सभी लोग प्रोफोर्मा भी निकल के रखो, क्योंकि मेरे टाइम पे मेरा E डोमिसाइल भी था, प्रोफोर्मा भी था, एंड एज पर सेफ साइड होने के लिए मैंने ये किया था, दोनों ही रेडी करके रखा था. थोड़ा सा ही तो ज्यादा वर्क करना पड़ेगा, थोड़ा सा ही तो ज्यादा मेहनत करना पड़ेगा, लेकिन थोड़ा सा सेफ साइडेड होकर रहना अच्छा होता है. ठीक है, ये इंपॉर्टेंट फैक्ट्स एंड डेटास थे जो आप लोगों को समझना जरूरी था. एंड ऑब्वियसली अगर आप लोग हमारे काउंसलिंग सर्विसेज से जुड़ना चाहते हो तो इस दिए गए नंबर पर आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हो. एंड ऑब्वियसली गाइस ये दिस वीडियो इज कमिंग वेरी मच सून, सो गाइस स्टे ट्यून्ड विद बायोमेडिकल विद मॉर्निंग एंड थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग द एंटायर वीडियो. थैंक यू.